दोस्तों आज हम लोग इस समय गोरखपुर के धर्मपुर मोहल्ले में हैं, जहां ऐसी सूचना है कि एक कोरोना पेशेंट निकला हुआ है। लेकिन दिक्कत मोहल्ले वासियों को ये हो रहा है कि यहां आप देख रहे हैं ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस कूड़े को न तो कोई बेहतर ढंग से निस्तारण कर पा रहा है और न ही मोहल्ले को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जो कॉलोनी वासी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इन कॉलोनी वासियों से समझेंगे हम लोग कि किस किस तरीके की दिक्कतें वो झेल रहे हैं। ज़रा बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नवीन कुमार नाम है जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि यहाँ पर जो है कोविड का पेशेंट मिला है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ कूड़ा गस्ता जा रहा है, जिसके लिए बार बार फ़ोन पे सुपरवाइज़र और लोगों को बताया गया कि यहाँ कूड़ा गस गया है। डिब्बा था, डिब्बा चला गया, फिर डिब्बा नहीं आया, अब कूड़ा जो है नहीं उठ पाया। और दूसरी मूल सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी पीछे है वो, जहाँ पर जिनका केस निकला है, और यह जो है लॉक कर दिया गया मेन रोड से। बाकी इधर के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, जैसे पानी है, आना जाना, बीमारी। अभी हमारी चाची हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, गिर गई थी, उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गया। कहीं से गाड़ी आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, और हम लोग काफ़ी परेशान थे। और एजेड हैं, जबकि 60, 65, 70 साल। आइए इधर आइए चाची, आराम से पकड़ के ले आओ उनको। हाँ, वो परेशानी आई। यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, पानी लेने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कूड़ा का निस्तारण हो, और रास्ता जो है कि ये किनारे इधर से बल्ली लगा के रोका जाए। कौन है आपके यहाँ के पार्षद? आपके यहाँ के पार्षद कौन है? हाँ बताएं मैम। चंद्रशेखर हैं। अच्छा, क्या आपने उनसे शिकायत की इस बात की? हाँ, मैंने कई बार कंप्लेन की, और जो यहाँ का जो मेट है उससे भी मैंने फ़ोन करके बोला, तो वो कह रहा था कि उधर कोरोना केस निकला, इसलिए हम लोग डर गए हैं, कोई नहीं आएगा। फ़ोन मिला रहे तो फिर फ़ोन काट दे रहा बार बार। तो कहीं स्थानीय पुलिस स्तर को भी फ़ोन किया था क्या आपने? ये यहाँ पे एक पुलिस वाले थे जो फ़ोटो खींचे थे, कहे थे कि ठीक है हम बात करेंगे। उसके बाद से आज 2 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ से लेडीज़ वहाँ से डिब्बा लेके जाएंगी पानी लेने, हैं? और यहाँ से कोरोना पेशेंट उधर निकला, उधर के लोगों से उनका संपर्क था, उधर तो वो घेरे ही नहीं, और यहाँ से पूरा ब्लॉक कर दिए हैं। कैसे आदमी जाएगा? अब मम्मी मेरी गिर गई उस दिन, हम इतना मुश्किल से हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, कोई गाड़ी नहीं आ पा रही थी। इनको चोट लगा है। ये इनकी मम्मी है जो, कैसे चोट लगी थी आपको? सीढ़ी पर से गिर गए थे बाबू, ये रीढ़ की हड्डी में घसक गई, उसी से परेशान हो गए ये लोग भी, हम भी, चारों तरफ रास्ता बंद हो गया, सांस मेरी रुक गई। किसी तरह कोला बुलाया गया, गाड़ी उड़ी, मेरे भाई ने तब गाड़ी उड़ी बुलाया, तब हम लोग गोदी में उठा के वहाँ तक पहुँचाए हैं, तब मैं गई हूँ गोदी में उठा करके। बताइए, ठीक है? क्या आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं, किस तरीके का सहयोग चाहते हैं? हम लोग ये सहयोग चाहते हैं कि यहाँ से कचरा उठाया जाए, जहाँ पर ये बीमारी है वहाँ पर से, यहाँ से रास्ते बना लगा के इस रास्ते में जो लगा दे, और उस रास्ते में पूरा घेर दे, ताकि हम लोग यहाँ से आ जा सकें। यहाँ तो कोई बीमारी है नहीं, जो कोरोना के मरीज है उधर है, उधर घूम रहे हैं, उधर पूरा घूम रहे हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी हो रही उनकी, वहाँ रोक टोक नहीं है, वहाँ पुलिस बल तो लगा हुआ चारों तरफ। उसके लिए मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो हमारी समस्या हम कह रहे हैं। उधर के लोग पूरा फ्री हैं, एक छोटा रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया, चाय पानी आता था, हाँ दूध आता था। आज अभी दूध के लिए मैं परेशान हूँ कि दूध मिले तो मैं चाय बना के पीऊँ, हैं? दवा भी खाना रहता है हमको, तो उधर तो पूरा छूट है। जहाँ से उन लोग को आना जाना है, जिधर से उनको आना जाना वहाँ पूरा छूट है। यानी कि आप लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, ठीक है? वहाँ से ब्लॉक नहीं करेंगे तो मान लीजिए उधर बीमारी फैलेगी, वहीं के घर के लोग, और वहाँ से कूड़ा यहाँ आ रहा है, बताइए, ये होना चाहिए? उधर की बैरिकेडिंग को आप उनको नहीं, पूरा मोहल्ले को कवर करना चाहिए ना उनको, वहाँ से यहाँ से इतने दूर कवर कर दिया, वहाँ से बस उतना ही दूर कवर किए है, तो कूड़े वाली गाड़ी वहाँ पर रखे हैं, वहाँ पे उधर से उधर कूड़ा फेंके, उधर से उधर कूड़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ कूड़े के निस्तारण के लिए
जो डब्बा होता है कूड़ेदान वो भी गायब है, वो भी गायब। तो पहले था क्या यहाँ? बस एक दिन सुनिए, एक दिन सफाई हुई थी, ठीक है, जिस दिन कोरोना पेशेंट निकला था उसी दिन बस सफाई हुई थी, उसी दिन बस, उसके बाद से कोई सफाई नहीं हुआ। उसके बाद से कम नहीं तो 5-6 बार फोन कर चुके हैं, आया नहीं, नहीं आया, और ना कोई सफाई कर्मी आया। और हमारे यहाँ से बैरिकेडिंग होना चाहिए। इन लोगों की ये मांग है कि ये जो कूड़ेदान की यहाँ व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ ये जो गलत तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है इसको सही किया जाए, ताकि जो ये लोग परेशान हो रहे हैं बुनियादी जरूरत। जी बताएं, जो ये चर्च है, ठीक है, वहाँ से उन लोग का संपर्क ज़्यादा आना जाना था, उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी, ठीक है, उधर से उन लोग का आना जाना, उधर का पूरा रास्ता उन्होंने खोल के रखा है, और अभी भी उनके घर के लोग आ रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हम लोग अगर यहाँ से अगर चले जा रहे हैं तो 10 सवाल उठ रहा है कि आप कहाँ जा रही हैं, तो मेरे घर में बच्चे हैं तो भूखे नहीं ना मंगाएंगे उनको? और ये कोई आया अभी तक पूछने हमको कि आपके घर में कोई सामान आया, पानी पी रही हैं कि खाना खा रही हैं? कोई आया अभी तक पूछने? आज 5-6 दिन हो गया, कोई आया? तो ऐसे होता है क्या कि आदमी मर जाए? उधर पुलिस बैठी, इधर पुलिस बैठी है, बस उनको मना करना है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं। चलिए, मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, दूध है, पानी है, या अन्य जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे सब्जी है और जो भी हो सकता है, दवाई है, इसको सुचारू रूप से प्रशासन संचालित करे, ताकि इनको इस तरीके की जो समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं वह दूर हो सके। धन्यवाद।